ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम की नू और नगड़ा टोली रांची। झारखंड सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे बेरोजगारों से किए थे, उन वादों को निभाते हुए बेरोजगारी भत्ता के बजाय बेरोजगारी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। ऐसे में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये जो नई जो योजना आप लोगों ने पूरे राज्य में चला रहे हैं, इसमें इसकी खासियत क्या है और कैसे बेरोजगारों को आप लोग प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं? देखिए, खासियत ये है कि जैसे मान लो देना था पहले 5,000 रुपया प्रत्येक साल, 7,000, तो 5,000-7,000 महंगाई में कोई ज़्यादा राशि नहीं थे। हम लोग कहा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रारंभ किए कि लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे, रोजगार से जोड़ेंगे भी, और जिनको रोजगार जोड़ने में विलम्ब हुआ तो उनको युवाओं के लिए 1,000 और युवतियों के लिए 1,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता रूप में दिया जाएगा। इसमें और आप रोजगार के लिए क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? रोजगार के लिए क्या आ रहा है कि देखिए, अभी 75% बना हुआ है, एक्ट सरकार ने बनाया है, तो उसमें है कि जितना कंपनियां हैं सभी निबंधन करवा रहा है सब विभाग में, और अधिक से अधिक लोगों को हम लोग 75% का अनुपालन कराना है। हम लोग स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार का लक्ष्य है। ये आप लोगों ने कंपनियों को नोटिस भी दिया है कि जो 75% से कम अगर कंपनियां पाई जाएंगी तो उनको दंडित भी किया जाएगा। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई इस पर? अभी तो हम लोग डेगा डेगे दे रहे हैं। अभी उपायुक्त के अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसमें से श्रम अधीक्षक, नियोजन पदाधिकारी, विधायक सब मेंबर हैं। तो जो भी कहीं जिला में गड़बड़ी है, सैलरी नहीं मिल रहा है, नहीं रख रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए कमेटी वहाँ बैठक में तय करेगी। कोई दिक्कत होगा तो फिर उसमें एक्शन लेंगे। क्या एक्शन होगा? एक्शन होगा कि जो सरकार ने एक्ट बनाया है उसको 100% लागू करना है। आपको सैलरी भी देना है, रखना भी है, पालन भी करना है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, सरकार भी घिरेगी, कई मुद्दे हैं जो कि रोजगार का मुद्दा है और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है, उस पर क्या सरकार की तैयारी? सरकार तो बेरोजगारी में तो रोजगार का बारिश कर दिया है। अभी हम लोग कितना पंचायत सचिव का बहाली किए, वैज्ञानिक के बहाली किए, BDO CEO बहाली किए, शिक्षक के बहाली किए, अभी CDPO का बहाली, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की बहाली अभी निकला हुआ है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। तो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, उस रेशियो में सरकार बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। 26,000 जो शिक्षकों की बहाली होगी, क्या वाकई में बहाली होगी? क्योंकि BJP कह रही है कि बहाली नहीं करना है बल्कि बहाना बनाना। 26,000 बहाली भी होगा और उसमें भी हमारा जो पराशिक्षक थे उनका रक्षण भी है 50%, तो उनका लाभ भी मिलेगा। बहाली होगी यानी कि बहाली हम निश्चित, जो खाली पद है सब हम लोग बहाल करेंगे। ये थे सत्यानंद भोक्ता, जो बता रहे थे कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार सभी मुद्दों पर जवाब देगी और बेरोजगारी के सवाल पर भी सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।